हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एनिमोलॉजिस्ट। चलिए बात करते हैं कैसे रहेगा आने वाला हफ्ता, क्या होगा आने वाले हफ्ते में। काफी सारी न्यूज है मेरे पास, काफी सारी फंडामेंटल। आई एग्री, लास्ट वीक मैं आप लोगों को सिर्फ निफ्टी का लेवल दे पाई थी, बिकॉज आप लोगों को पता है जो है, मैं काफी सारा वर्कलोड, काफी सारे वास्तु, न्यूमोलॉजी, स्टॉक मार्केट क्लासेस, यस, कल से यहाँ पे भी, मतलब ऑनलाइन जूम पे भी आपके लिए मैंने स्टॉक मार्केट के क्लासेस शुरू कर दिए है। ऑलरेडी फ्राइडे, सैटरडे, संडे की एक बैच हम लोगों की हो चुकी है। अब आने वाले हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे 5 दिन की एक बैच रहेगी, यस, विथ न्यूमोलॉजी। अगर आप स्टॉक मार्केट के क्लासेस ले रहे हो तो बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर हमने यहाँ पे रखा है। बात करते हैं अबाउट स्टॉक मार्केट। ये हफ्ता काफी इवेंट भरा रहेगा, काफी इवेंट्स ये हफ्ते में है। फर्स्ट थिंग तो आप लोगों को पता है कि निफ्टी एफएसआई, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो निफ्टी है वो लॉन्च हो रही है। वो जो निफ्टी रहेगी उसके बारे में डिटेल्स डेफिनेटली कल तक मैं आप लोगों के साथ पोस्ट करूंगी। फाउंडर इंडिया के साथ, उसके साथ मेरा इंटरव्यू होगा और वो न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसमें टॉप 20 स्टॉक्स रहेंगे और टॉप 20 स्टॉक का एवरेज निकाला जाएगा और उस निफ्टी में, वो निफ्टी ऑलरेडी बनी हुई है, बस अभी उसमें ट्रेड किया जाएगा। जैसे आप बैंक निफ्टी निफ्टी में करते हो, ये 40 का लॉट रहेगा। और सबसे बेस्ट थिंग ये रहेगी कि इसमें वीकली फ्यूचर्स अवेलेबल है। पहले ऑप्शंस होते थे, अब यहाँ पे वीकली फ्यूचर्स भी अवेलेबल है। ये सबसे बेस्ट थिंग रहेगी और सबसे कम मार्जिन रहेगा, नियर अबाउट 5 लाख रुपीज के आसपास इसका काउंटिंग रहेगा। और 75 to 1 लाख इन बिटवीन आपको इसमें मार्जिन लगेगा। तो सेफेस्ट कम मार्जिन एंड टॉप 20 जो स्टॉक्स है उसमें एनबीएफसी है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज है, सबसे बेस्ट थिंग इसमें म्यूचुअल फंड भी है। तो इन सब का एवरेज निकाला जाएगा। बैंकिंग में अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसे बैंक्स हैं। देन श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे स्टॉक्स है, एचडीएफसी है, काफी सारे, चोलामंडली फाइनेंस है। तो इतने सारे स्टॉक्स इसमें होने वाले हैं जो जिसका वेटेज ऑलरेडी 33% है। और मतलब बेस्ट थिंग है कि यहाँ पे 33 वेटेज वाले स्टॉक्स अगर मिलते हैं और उसका एवरेज लेके अगर आप कर पाते हो, हेजिंग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये वाला स्टॉक। तो गाइस, आने वाले हफ्ते में विप्रो का जो क्लोजर है बायबैक का, वो मंडे के दिन है। एनएससी लॉन्च करने वाली है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, जो मैंने अभी आपको उसके बारे में डिटेल्स दी। देन उसके बाद में जीएचए का रिजल्ट्स है। थर्सडे के दिन टाटा एलेक्सी और कर्नाटका बैंक का रिजल्ट्स है। वेनसडे के दिन इंफोसिस, विप्रो और सीएससी का रिजल्ट है। थर्सडे के दिन टाटा स्टील और लॉन्ग प्रोडक्ट्स का रिजल्ट है। फ्राइडे के दिन एचसीएल टेक्नोलॉजी, देन फाइनेंशियल होल्डिंग, एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग का रिजल्ट है, आदित्य बिरला मनी का रिजल्ट है। देखिए कितने इवेंट्स हो गए, मतलब मंडे टू फ्राइडे तक के सारे इवेंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कितने स्टॉक्स रहेंगे, क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, एज अ न्यूमरोलॉजी क्या होगा वो मैं आपको कल बताऊंगी। देन उसके बाद में यूएस और यूके में वायरस का इफेक्ट कम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन बढ़े जा रहे हैं। बट हाँ, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि फाइजर और अस्ट्रोनेक का जो वैक्सीन आया था वो वहां पे वर्क कर रहा है और जल्दी इंडिया में भी शुरू होते हुए हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद में बजट, बजट की आशाएं शुरू हो गई है। मतलब अभी लग रहा है सबको कि हो सकता है इस साल बजट अच्छा देंगे। तो अच्छा देंगे तो डेफिनेटली मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। सेक्टर्स और इवेंट्स हमने देखे कि कैसे सेक्टर्स एंड सीजन वाइज हमें पैसे कमाने, ये आप मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हो। बजट के लिए सेक्टर्स एंड सीजन बहुत मैटर करेंगे। बजट के लिए सबसे बेस्ट आपको स्टडी करनी पड़ेगी अबाउट सेक्टर्स के, कौन से सेक्टर्स को क्या क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। इस पे भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ एक नया वीडियो पोस्ट करूंगी। देन अगर टेली कम्युनिकेशंस के लिए अगर आपको बात करूं मैं, तो स्पेक्ट्रम रेगुलेशंस के लिए 50 लाख करोड़ उन लोगों को देना है। भारती है 15,000 करोड़ और जियो है 24,000 करोड़। अब बात करते हैं आपका फेवरेट निफ्टी का रेंज। देखिए
पिछले हफ्ते ऊपर के दोनों लेवल्स अचीव होते हुए हमने देखे, ऊपर की तरफ निफ्टी मूव करने के लिए जो रिजल्ट्स है, जो काफ़ी सारी कंपनियों के आने वाले इवेंट्स है वो भी ये हफ्ते में मैटर करेंगे, और हमें देखना है कि निफ्टी एफएसआई जो है वो कितनी वर्क करती है, वो लोगों को कितनी पसंद आती है। सेंसेक्स का क्लोजिंग था 48,782, क्रूड ऑयल 54.86, विक्स जो था वो 20.64 और पीसीआर रेशो जो था 1.71। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी जो था 32,084 पे क्लोजिंग हुआ और निफ्टी 14,374 पे क्लोजिंग हुआ है। ऊपर की लेवल अगर मैं आपको दूँ तो 14,402 और नीचे की लेवल 14,458। इसके ऊपर अगर आपको बाई करना है और ऊपर का लेवल आपका है तो डेफिनेटली 14,458 का स्टॉप लॉस रख के आप खड़े हो सकते हो। नीचे के लेवल की अगर मैं बात करूँ तो पहला लेवल रहेगा 14,313 एंड नीचे का लेवल रहेगा 14,257 एंड 14,178। ये थर्ड लेवल मैं आप लोगों को दे रही हूँ। सो गाइस, काफ़ी सारी न्यूज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, फॉलो करिए। फंडामेंटल्स उतने ही मैटर करते हैं, और यही फंडामेंटल्स कैसे निकालने हैं, बजट के लिए स्टॉक कैसे निकालने हैं, कोई भी इवेंट है, लाइक अभी काफ़ी सारे मैंने बताया, आदित्य बिरला नोवो का रिजल्ट है, काफ़ी अच्छी कंपनीज का रिजल्ट है, तो वो रिजल्ट कैसे पढ़ना है, ये आप जब फंडामेंटली सीखते हो तो डेफिनेटली इसका आपको बेनिफिट ही होते हुए देखोगे। टिल देन गाइस, ऑल द बेस्ट।